हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इन योर क्लास फर्स्ट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ए स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, स्टोरी इट मींस कहानी। आज आपकी क्लास में मैं आपको एक कहानी पढ़ाऊंगा जो कि आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में है। ओके स्टूडेंट्स, सो ध्यान से इस स्टोरी को सुनिए। स्टोरी का नाम है द बबल द स्ट्रा एंड द शू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट इज द मीन ऑफ स्टोरी। स्टोरी का मतलब क्या बेटा? स्टोरी का मतलब है, देखिए, बीती हुई घटना, यानी कि पास्ट में। पास्ट का मतलब भूतकाल, बीता हुआ समय। उसमें जो घटना होती है, उसमें जो हुआ, जो कुछ भी होता है, उसको हम वर्तमान में जब हम बताते हैं तो वो स्टोरी होती है। यानी बीती हुई घटनाओं को वर्तमान में बताना कि उस समय क्या हुआ था, उसको अब हमें शो करना, वो स्टोरी कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, बबल मीन्स होता है जैसे बुलबुला पानी का। आप लोगों ने, सभी बच्चों ने देखा होगा बुलबुला। द स्ट्रा, स्ट्रा मीन्स होता है सूखी घास का तिनका। एंड द शू, और शू मीन्स जूता जो आप लोग पहनते हैं। ओके बेटा, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर स्टोरी। ओके, लुक एट मी। Once upon a time, there lived a bubble, a straw, and a shoe. Once upon a time, it means एक बार एक समय। There lived means होता है रहना, यानी कि रहता था। कौन कौन रहते थे? ए बबल था, ए स्ट्रा था, एंड ए शू, और एक जूता। यानी कि बबल मीन्स बुलबुला, स्ट्रा मीन्स सूखी घास का तिनका, और एक जूता, शू। वन डे, एक दिन, दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स स्पेलिंग FORESTE। फॉरेस्ट मीन्स होता बेटा जंगल। जंगल सभी लोग जानते हैं, तो ये फॉरेस्ट जंगल में। वन डे, एक दिन, दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, वे जंगल में गए। दे केम टू ए रिवर। रिवर मीन्स नदी, सभी को मालूम है नदी, सभी ने देखी होगी बेटा। वे एक नदी पर आए, नदी पर आए का मतलब नदी के पास आए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। वे तीनों ये नहीं जानते थे कि इसे पार कैसे करना है, यानी कि नदी के उस पार जाना। हाउ टू क्रॉस इट का अर्थ होता है हमें नदी कैसे पार करना है, हम, यानी कि हम इसको कैसे पार करें। द शू सेड, जूते ने कहा, देखिए, बबल यानी बुलबुले, लेट अस फ्लोट ऑन यू। फ्लोट, FLOAT, फ्लोट मीन्स वैसे तो होता है तैरना, लेकिन यहां पर यह है कि इस बुलबुले के ऊपर बैठ जाना, बुलबुले के ऊपर आ जाना।